भारतवर्ष के उत्तर पूर्व प्रांत, जिसे हम आठ बहनों के साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तर पूर्व प्रांत प्राकृतिक संपदों और सौंदर्य के लिए मशहूर है। इस प्रांत में भिन्न धर्म के, भिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। सबकी भाषाएं अलग अलग, रीत रिवाजें अलग, फिर भी सब एक हैं, मानो एक गुलदस्ते में रंग बिरंगे अलग अलग फूल हों। ये उत्तर पूर्व प्रांत मूल मानव प्रजाति के मिलन स्थल हैं। यहाँ के मंगोलीय लोगों को इंडो मंगोलाई के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारतीय संस्था के उन्नति के कार्यों में यहाँ के सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं। इसी तरह विभिन्न जनगोष्ठियों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक मेल मिलाव भी देखने को मिलती है। ये प्रक्रिया आज भी प्रचलित है, जिसकी वजह से ये जनगोष्ठी समृद्ध होने के साथ साथ दूसरे देशों के प्रांत में भी अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वजह से कृषि ही इस प्रांत का मुख्य जीविका साधन है। यहाँ के 3/4 आबादी कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर पूर्व प्रांत में मुख्यतः दो प्रकार से कृषि किया जाता है। एक है स्थायी कृषि, जो समतल भूमि में किया जाता है, और दूसरा है अस्थायी कृषि, जो कि पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इस साल यहाँ तो अगले साल कहीं और। अभी कुछ सालों पहले तक स्थायी कृषि भी बहुत धीमी और पुराने तरीके से किया जाता था। नई आविष्कारों या वैज्ञानिक पद्धतियों का कोई प्रयोग नहीं था। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मात्रा में प्रचलित अस्थायी कृषि का नाम झूम, और यही झूम कृषि आज गांव के आर्थिक, सामाजिक और कृषि की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा बन गई है। जबकि कुछ अर्धशतक पहले तक इसी कृषि को एक बड़ी शक्ति माना जाता था। पहले इसको ताकत माना जाता था, क्योंकि झूम कृषि का आवर्तन पहले बहुत बड़ा होता था, लगभग 15 से 20 वर्ष का होता था। अब 3-4 वर्ष का है, इसलिए यह एक कमजोरी के रूप में परिवर्तन हुआ है। फिर भी पूर्वोत्तर में कुछ कुछ जगहों पर जहां कृषि करना लगभग नामुमकिन है, झूम कृषि उन लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। दुर्गम और दूरवर्ती क्षेत्र जहां पहाड़ी लोग रहते हैं, झूम कृषि से ही उनको अनाज मिलता है। इस प्रकार का कृषि केवल उत्तर पूर्व में ही होता है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में भी इस तरह के कृषि का प्रचलन है, लेकिन पूर्वोत्तर में झूम कृषि आवर्तन का जो संघर्षण हुआ है, उसे लेकर हम चिंतित हैं। अब ऐसा हुआ है कि झूम कृषि योग्य जो मिट्टी है, उसका उर्वरती पुनः संजीवित नहीं हो सकता है, इसलिए जमीन बड़ी तरह से क्षतिग्रस्त होता है और उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। पहले एक हेक्टेयर झूम खेत इलाकों से 1.5 टन धान पैदा होता था, इसके विपरीत अब 0.8 टन धान का उत्पादन होता है। ये एक उल्लेखनीय तथ्य है, इसलिए हम नीति के हिसाब से चाहते हैं कि किस तरह इस पद्धति में धनात्मक बदलाव लाया जाए, ताकि एक मार्गदर्शन के हिसाब से किसी एक पद्धति के बारे में कहा जा सके। ये अस्थायी कृषि पद्धति क्रांति मंडल और उपक्रांति मंडलों में बहुत प्रभावशाली है। बहुत ज्यादा बारिश होने वाली और ज्यादा ढाल भूमि पर वनस्पति की वृद्धि बहुत तीव्र होती है। ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी प्रचलित है। ये अस्थायी कृषि पद्धति दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के लोगों के लिए आर्थिक समस्या हल का एक मुख्य जरिया है। Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
व्यापक रूप से आग लगाकर जंगलों को साफ करने का काम किसी एक आदमी के देखरेख में किया जाता है, पर ऐसे अंधाधुन कामों से पेड़ पौधे पशु पक्षी को तो नुकसान होता ही है, साथ ही आस पड़ोस को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सफाई भी किसी किसी क्षेत्र में अलग अलग होती है। कई जनजाति खेतों के बीच में बड़े बड़े पेड़ रखना पसंद करते हैं तो कई जनजातियां नहीं। पहाड़ी इलाकों में झूम खेती करने की शैली उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक वजह से भी अलग अलग देखी जाती है। प्राकृतिक स्थिति और भाषा शैली के अलग अलग होने के वजह से भी ये कृषि पद्धति में बदलाव देखी जाती है। हर जनजाति के बीच जो कृषि पद्धति है वो आमतौर पर एक जैसा ही होता है। इस कृषि के लिए साधारणतः सबसे पहले अच्छी और सुविधाजनक जगह चुनकर उसे कटाई और सफाई किया जाता है। जब वो पेड़ पौधे जंगल सूख जाए तब उसे जलाकर राख किया जाता है। और इसी राख को बाद में खेतों में प्राकृतिक खाद के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। जब फसल बड़े होने लगते हैं तब वे बीच बीच में खेतों में जाकर साफ सफाई करते हैं ताकि फसलों को कोई नुकसान ना होने पाए और भरपूर पुष्टि मिले। अंत में जब फसलों की कटाई होती है तब वे अपने रीत रिवाज से ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए प्रार्थना करते हैं। झूम कृषि की विशेषता यही है कि जगह बदली जाती है ना कि फसल। बावजूद इसके कि यहाँ भार ढोने के लिए कोई पशु का इस्तेमाल नहीं होता है ना ही खाद का, इस तरह कृषि में केवल इंसान की मेहनत और आग का ही प्रयोग होता है। हाल ही में हुई एक सैटेलाइट आंकड़े के मुताबिक पूरे उत्तर पूर्व प्रांत में 17.3 लाख हेक्टेयर जमीन पर अस्थायी कृषि की जाती है और इसी कृषि में लगभग 4.5 लाख लोग जुटे हुए हैं। ये झूम कृषि पद्धति एक लुटेरे की तरह है क्योंकि इसी पद्धति में सारे जंगल पेड़ पौधे सभी काटकर जलाकर राख किए जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उस जमीन की उपजाऊ शक्ति में कमी होने लगती है और साथ ही पारिपार्श्विक असमानता और सामाजिक आर्थिक दिशाओं में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रकृति के कुछ कारणों से इस कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि भूस्खलन, जगह बदलना, जमीन की उपजाऊ शक्ति में कमी होना और बहुत सारे भौगोलिक परिस्थितियां। दूसरी तरफ ये भी पुष्टि की जाती है कि झूम कृषि अगर ना किया जाता तो शायद अन्य फसलें भी संरक्षित नहीं होती। विभिन्न प्रजाति की फसलों की संख्या अब तक इस प्रकार है: चावल 298, बैंगन 37,
अदरक 60, मिर्ची 68, मकई 678, हल्दी 60, भिंडी 12, चने 200, शकरकंदी 5, लौकी 76, कद्दू 250, टेरोस 242। ये सब फसलें देश के इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अस्थाई कृषि पद्धति ने ऐसे किसानों को एक बहुत ही अनोखा उपहार भी दिया है, जैसे देशभक्ति मूलक गीत, नृत्य, अलग भाषाएं, बोलियां इत्यादि। वे अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वे जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ झूम कृषि भी आज अनिश्चयता और योग्यता के दो राहे पर खड़ी है। इस साल अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो अगले साल ही बिल्कुल ना के बराबर, इसलिए वे लोग एक जगह पर 5 साल के बाद दोबारा खेती करते हैं। कारण, जमीन की उपजाऊ शक्ति इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। पेड़ पौधों की कमी की वजह से पहाड़ के शिखर की मिट्टी बारिश के साथ आसानी से निकल जाती है। झूम कृषि के वजह से ही पहाड़ों में भूस्खलन ज्यादा देखने को मिलती है और इस तरह के भूस्खलन में सिर्फ झूम किसानों को ही नहीं बल्कि समतल जगहों पर बाढ़ के रूप में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब बुरी प्रभावों के बावजूद अवैज्ञानिक तरीके से किए जाने वाले झूम कृषि को लेकर वैज्ञानिकों के विचारधारा अलग अलग हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमेशा झूम कृषि को ही भूस्खलन का कारण नहीं माना जाना चाहिए। यदि मौसम की हालत और जमीन पेड़ पौधों के पुनर्वृद्धि में पूर्ण सहायता करें तो भूस्खलन का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए वैज्ञानिक ये मत जाहिर करते हैं कि जबकि इस क्षेत्र में झूम कृषि को बंद करना मुश्किल है तो इस कृषि में हमें नया योगात्मक कार्यसूची आरंभ करना चाहिए। झूम किसानों को खेती से पहले भूमि के बारे में खास जानकारियां देनी चाहिए। दरअसल उत्तर पूर्व पर्वतांचल के भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र ने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में झूम कृषि भी अलग अलग तरीके से किए जाने पर एक आदर्श पद्धति सभी राज्यों के लिए कार्यकारी साबित नहीं होती है। तो जाहिर सी बात यह है कि अंचल के हिसाब से ही किसानों को भी अलग अलग प्रशिक्षण दी जानी चाहिए। विकल्प के हिसाब से किसी एक पद्धति या तो किसी एक आम प्रणाली समस्त क्षेत्रों में उपयोग होगा कहना मुश्किल है। हर एक इलाके के लिए एक सही नमूना बनाना पड़ेगा और वो भी जलवायु, भूमि प्रयोग, परंपरागत पेशा इत्यादि के ऊपर निर्भर करेगा। फिर भी एक प्रतिष्ठित विकल्प के रूप में सीढ़ीनुमा खेती का उपयोग कर सकते हैं, जहां सिंचाई सुनिश्चित हो। पूर्वोत्तर में बहुत झरने या तो छोटी छोटी नदियां हैं, इसके भी पानी पास होता है। यहां के स्थानीय लोग उस तरह के सिंचाई के बारे में पहले से ही जानते हैं। वे लोग एकत्रित होकर श्रमदान करते हैं और पानी का व्यवस्था करते हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाओं में वाणिज्यिक फसलों के आधार पर झूम कृषि योजनाओं के तहत असम तथा त्रिपुरा राज्य को पथ प्रदर्शक बनाकर रबर, कॉफी, काली मिर्च और काजू की खेती प्रारंभ की
गई थी। पंचम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत झूम कृषि नियंत्रण परियोजना को 100% अनुदान प्राप्त हुई थी और इसी योजना में जल विभाजिका उन्नयन प्रकल्प भी उत्तर पूर्वांचल में पहली बार कृषि में शुरुआत हुई। जल विभाजिका योजना के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं भूमि संरक्षण, उद्यान की फसलें और सूखी या गीली ढलाऊ जमीन इत्यादि। इसके अलावा व्यापार कृषि में मजदूरी के लिए कृषकों को नियुक्ति उनके लिए जंगलों में संस्थापन देकर पाठशाला, बिक्री केंद्र इत्यादि साधनों का भी मुहैया कराया गया। जल विभाजिका परियोजना में कृषि, वन, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, सुअर पालन आदि शामिल है, परंतु ये सब को लेकर कुछ सालों से झूम कृषकों में एक असंतोषजनक रवैया सुनने को मिलती है, क्योंकि इन सब योजनाओं में उस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्सव और खाने पीने के गहरे ताल्लुकात को जाहिर करते हैं। फिर भी इस विकास की वजह से किसानों में एक अलग आत्मविश्वास तो जरूर पैदा हुई है। कृषि जल संपत्ति और प्राकृतिक जो तालाबें या तो जलाशय हैं, ये सब को लेकर भी नई विचार योजनाएं चल रही हैं। यहाँ के ज्यादातर आबादी मत्स्य प्रेमी होते हुए भी मत्स्य पालन में उत्साह कम देखी जाती है, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने किसानों के उन्नति के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तरह तरह के कृषि करने की प्रशिक्षण आदि के लिए भी बहुत कुछ कार्य सूची में अमल कर रही है। खाद काट कर जो कृषि करने की नई तरीका मिली वो कृषकों को बहुत लुभाती। हम पहले तो झूम करता था, उसी में कुछ फायदा नहीं मिला है, इसीलिए टेरेस बनाने का शुरू किया। टेरेस में ये बंदा गोभी लगाया, प्याज लगाया और ये ब्रोकली लगाया और ये गाजर भी, इसी से हमारा थोड़ा फायदा हुआ। पहले हम टेरेस मालूम नहीं था, अभी आईसीआर वाला ने हमको सिखाया, टेरेस बनाया तो हमारा उसमें सब सब्जी उब्जी और आपको संतला वगैरह बहुत अच्छा होता है वहाँ गोबर उबर देने के लिए। टेरेस तो सबसे अच्छा है क्योंकि हम लोग पहाड़ खेती करता है, पहाड़ खेती में जब पानी आएगा, बारिश होगा, वो काट बो जाता है, टेरेस में इसे रह जाता है काट, उसी से फायदा मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के सलाह के मुताबिक झूम के विकल्प के हिसाब से कृषि, उद्यान फसल, कृषि वन पद्धति आदि बहुत लाभदायक है। ICAR का स्थिति ऐसा है कि सीडीनुमा कृषि के लिए पौधे या तो अंकुरित पौधे जैसे अनानास, संतरा, केले, दालचीनी और बांस इत्यादि का हम यहां से दे सकते हैं। इसके अलावा भी धान का बीज उपवार कृषि के लिए IR60032 और निचले हिस्से के लिए भी L61 और घुमड़े बीज ICAR ने खोज निकाला है। जून महीने में बुआई करना चाहिए। मक्का के लिए 1S3 आदि हम कृषकों को दे रहे हैं। मौसम, सामाजिक, सांस्कृतिक और बेमेल के वजह से
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने अलग अलग तरीके की कृषि पद्धति का प्रचलन भी किया है। आज मिजोरम कृषि में जो अव्वल दर्जा हासिल करने में सक्षम हुई है, उसका पूरा श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को ही जाता है। हमारे विभाग के लिए ICAR मददगार है। जब भी हम चाहते हैं, वो लोग हमें सहायता करते हैं। मिजो कृषकों के लिए उन लोगों ने नमूना ग्रहण किया है। इसके मुताबिक पहाड़ के बिल्कुल ऊपर में पेड़ लगते हैं, मध्य भाग से सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं और निचले हिस्से में धान का खेती होती है। इस पद्धति का उद्घाटन ICAR के बारापानी में स्थित अनुसंधान संस्थान में हुआ है। उन लोगों ने मिजो कृषकों के लिए कुछ भी कृषि पद्धति का सिफारिश किया है जो पूरे साल के लिए उपयुक्त हो। जूम खेतों में जो फसलें पाए जाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बाजारों में अच्छी कीमत भी प्राप्त कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जूम किसान अपने खेती बाड़ी का काम पहले से ज्यादा दिल लगा कर रहे हैं। कद्दू आदि के कोमल कोमल पत्ते, टहनियाँ, फूल आदि बेचकर भी हम अपनी जीविका का उपाय निकाल सकते हैं। जूम कृषि के उन्नति और स्थायी खेती के लिए जो मेहनत और कोशिश भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने किया है, वो मेहनत आज हकीकत में देखने को मिल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के मुताबिक हम जो मिश्रित जमीन पर वन कृषि उद्यान करते हैं, वो जूम कृषि पद्धति के बदले में बेहतर जीने योग्य है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ और पहाड़ के ऊपरी हिस्से के ढलाव जमीन पर ज्यादातर घने जंगलों से भरा होना चाहिए। निचले हिस्से और ढाल जमीन पर ज्यादातर फलों के बगान करना चाहिए। ऐसे जमीन खासकर अनारस, सेम, नींबू आदि खट्टे फलों के लिए उपयुक्त होते हैं। समतल भूमि पर चावल, तेलबीज आदि की तरह की खेती और बिल्कुल निचले हिस्से में मछली पालन का भी प्रचलन किया जाना चाहिए। हमने कृषकों को उन्नत किस्म का बीज दिया है। इसके सिवा झूम कृषि के ऊपर हम कुछ अध्ययन भी किए हैं ताकि कृषकों को हम अधिक उपदेश दे सकें। जब भी कृषक हमारे कार्यालय में आते हैं, हम उनको पौधों की बीमारी के बारे में, कृषि का भूमि नियंत्रण और किस समय में किस प्रकार का पौधे लगाना चाहिए उसका सलाह देते हैं। फसल उत्पादन अरुणाचल प्रदेश के लोगों के पहली पसंद है, कारण वहाँ कृषि योग्य भूमि और बारिश की कोई कमी नहीं। बासार में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है, वो केवल अरुणाचल या राष्ट्र निर्माण के कार्य में ही नहीं, बल्कि जूम कृषकों के एक स्थायी संपत्ति परिवर्तन करने में भी मदद कर रही है। अरुणाचल में खेती की शुरुआत से लेकर फसल की कटाई तक का जो कार्य है, वो बाहर वालों को बहुत रोचक लगती है। यहाँ के औरतें खेत के एक कोने में कटाई के बाद फसल जमा करते हैं और बाद में उसे घर ले जाते हैं। इधर मेघालय और गारो पहाड़ के जूम खेती करने का प्रक्रिया बिल्कुल निराली है। मौसम अनुकूल होने पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने यहाँ की कृषि पद्धति फसल रोपण के ज्यादा महत्व दिया है। आम और काजू की खेती इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि संरक्षण और जल संसाधन की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने सराहनीय कार्य किया है। तो अभी 500 साल के बाद ही हम लोग देखने मिला है कि ये पत्थर जो है फिलअप, ये जो है माटी से फिलअप हो गया। दैट मीन्स जो इतना पानी में
इतना अच्छा अच्छा वाला माटी आकर एकदम रुक गया, तो इसी को हम लोग ने कृषक को जैसे अप्रोच दिया है कि गली कल्तों बनाने से अपना अपना जो नदी होने का जो छोटा छोटा पानी जो आता है इससे नदी होने का भी जो चांस है उसको हम लोग ने रुकाने के लिए वो लोग को अप्रोच किया है। मणिपुर राज्य के इम्फाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने झूम खेती के उन्नतीकरण के लिए एक व्यापक अभियान का शुरू किया है। इसके अंतर्गत पैशन फ्रूट के अधिक उत्पादन और रोपण के वृद्धि पर ज्यादा जोर दिया गया है। पारंपरिक सब्जियों को अलग महत्व दिया गया है, लेकिन झूम कृषि के नए फसलों में सोयाबीन, बादाम, चावल, बीन, कॉफी आदि भी शामिल हो गई है। ICR स्थानीय पद्धति के साथ आधुनिक पद्धति का संयोजन किया है और समस्त क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग का अलग अलग पद्धति के बारे में जानकारी दिए हैं। ये सब कृषि मिश्रित कृषि के अंदर माना जाता है, जैसे जल विभाजन पद्धति, भूमि और जल संरक्षण पद्धति, मिश्रित वन कृषि उद्यान पद्धति, पशुपालन से ऊपरी आमदनी, जल संग्रहण और पुनः व्यवहार इत्यादि मिश्रित कृषि का उल्लेखनीय हिस्सा है। आज इस क्षेत्र के झूम किसानों में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उन्नति का बदलाव बखूबी दिखाई पड़ती है। फिर भी बात वही है कि ये झूम कृषि कई दशक या उससे भी ज्यादा समय तक चलती रहेगी। कारण ये नहीं कि उत्पादन या उत्पादनशीलता या आर्थिक दिशा, कारण ये भी नहीं कि कुछ विरोधिता या प्रतिद्वंदिता, बल्कि कारण तो ये है कि इस क्षेत्र के जनजाति के जीवन शैली पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक दिशाओं से इस कदर जुड़े हुए हैं मानो इन सब के बिना वे बिल्कुल अधूरे हों।